छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के मकसद से हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय विज्ञान विकास उद्योग परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर बिलासपुर में 27वां राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बालिका विद्यालय में आयोजित इस 4 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन में प्रदेश भर से 700 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। और विभिन्न विषयों से संबंधित मॉडल प्रस्तुत भी किए, जहां एक और छात्रों के इन मॉडलों में विज्ञान से जुड़ी अनेकों खोजों का समावेश था, तो साथ ही समाज को संदेश भी दिया, जिसमें मुख्य रूप से यातायात के नियमों का पालन करना और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। वहीं बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने सभी मॉडल की जमकर सराहना भी की। वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए राजेश्वर गोयल ने जहां इस राज्य स्तरीय साइंस कांग्रेस कार्यक्रम द्वारा बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा को निखारने का एक मंच बताया, तो साथ प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक समस्याओं को दूर करने और इसके उपायों को आमजन तक पहुंचाने के लिए भी महत्वपूर्ण करार दिया है। बिलासपुर में नशे को लेकर रेनबो स्टार व लाडली फाउंडेशन व अन्य सामाजिक संस्थाओं ने चल रहे नशे के खिलाफ बिलासपुर शहर में रैली निकाली। वहीं नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए एएसपी भागमल ने बताया कि आजकल युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, जिसे हमें प्रतिदिन खत्म करना है और नशे करने वालों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है, ताकि युवा पीढ़ी नशे से बच सके। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आजकल चिट्टा जैसा नशा हिमाचल के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, जो कि काफी जानलेवा नशा है, जिससे हमें बचना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिट्टा जैसे भयंकर नशे से पिछले महीने एक बच्चे को मौत भी हो चुकी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सामाजिक संस्था रेनबो स्टार क्लब के अध्यक्ष ईशान अख्तर ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से आज प्रधानमंत्री को नशे को रोकने के लिए ज्ञापन भेजा, तथा उन्होंने सरकार और प्रशासन से भी मांग की है कि चिट्टा सरगना और नशा माफिया के ऊपर आज बिलासपुर में परिक्रमा निकाली है। इस परिक्रमा में विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं के 1000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि चिट्टा बाहरी देशों से भारत में आ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा सरकार को निर्देश दे कि अपनी सीमा पर कड़ी निगरानी रखे, ताकि चिट्टा जैसा नशा भारत व हिमाचल में न आ सके और युवा पीढ़ी चिट्टा जैसे भयंकर नशे से बच सके। महिलाओं से संबंधित बहुत शिकायतें पंजाब में आ रही हैं, जिससे कानून एवं व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। पंजाब के वोमेन सेल में कार्य ठीक नहीं हो रहा है, पुलिस को और ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिला सकें। ये बात पंजाब महिला आयोग की अध्यक्षा मनीषा गुलाटी ने विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। नैना देवी में पत्रकारों के साथ अपनी बात साझा करते हुए उन्होंने कहा कि महिला आयोग में पहले 10 से 15 शिकायतें ही प्रतिदिन आती थी, तथा अब जब हमने एक्ट पढ़ा जिसमें पाया कि महिला आयोग को सिविल कोर्ट की भी बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान है, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब प्रतिदिन 150 से भी ज्यादा महिलाओं की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इतनी ज्यादा शिकायतें आने पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इसमें कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कमी है, तथा ऐसे में अब पंजाब पुलिस को इसमें मुस्तैद होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में वुमेन सेल का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जबकि लोगों की बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं महिला आयोग से, तथा हमें भी सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सारे अच्छे अच्छे अधिकारियों को बदलती है, तथा हम चाहते हैं कि हमारी भी कमीशन तथा एजेंसियां हैं, तथा हमसे रिपोर्ट लेकर ही सरकार इन अधिकारियों की बदलियां किया करे, तथा पंजाब सरकार ने हमारी बात मान भी ली है, इसके लिए वो पंजाब सरकार के धन्यवादी हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो उनकी बात नहीं मानते हैं, तथा कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं जो उनकी बात मानकर लॉ एंड ऑर्डर
मुहैया भी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि लोगों को इन मामलों में सफर करना पड़ता है, कुछ अधिकारियों को लगता है कि उन्हें वेतन सरकार देती है, ये कार्य उनका नहीं है, परंतु हमें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए तथा ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर रखना ये पंजाब पुलिस का ही कार्य है। ऐसे में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी महिला को कोई भी परेशानी नहीं होने पाए, तभी सुधार हो पाएगा। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्षा होने पर उनका पूरा प्रयास रहेगा कि महिलाओं को पूरा न्याय मिल सके, बस थोड़ी जागरूक होने की आवश्यकता है तथा आज माता नैना देवी के चरणों में हाजिरी लगाई है। माँ से प्रार्थना की है कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उनका सही ढंग से निर्वाहन करवा सकूं। इस मौके पर मंदिर न्यास के अधीक्षक रामकृष्ण शर्मा ने उन्हें मां की चुनरी प्रसाद देकर सम्मानित किया।